फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मेरी हिस्ट्री में या इससे पहले के यहाँ के मुकामी लोग हैं, ये गेट बंद हुआ है। इस गेट को आज तक किसी ने बंद नहीं किया। ये जो 200 रुपए हमसे लिए, हम तेरा बंद देते, हमसे 2600 रुपए लिए। इधर जो प्राइवेट लोग पैसे लेते हैं ना, जो माफिया बना हुआ है, वो नहीं लेने चाहिए। मानसेरा के सरकारी इदारे और चंद प्राइवेट कंपनीज और एनजीओज वादी कागान में मरीज जैसा माहौल बनाने के लिए सरगर्म। सियाहों के साथ हथकमेज रवैया जगह टैक्स और फैमिलीज को धक्के मारे जाने लगे। मानसेरा के सियाहती मकाम शोगरान में केडीए, महकमा जंगलात और दीगर इदारों की मिली भगत से सियाहों को लूटा जाने लगा। फेस्ट नामी कंपनी की जानिब से शोगरान में सरकारी इमारत में एक नाम निहाद फेस्टिवल लगाया गया, जिसमें सियाहों के नाम पर जहां कई इदारों और शख्सियात से मुबैना तौर पर पैसा बटोरा गया, तो वहीं पर सरकारी जगह पर सियाहों पर टैक्स लगा दिया गया और सियाह से 200, 300, 400 तक टिकट वसूल किया जाने लगा। पर शोगरान जाने वाले सियाह भी शदीद परेशान हैं, जबकि फैमिलीज के साथ आए सियाहों से फी फैमिली हजारों रुपए बटोरे जा रहे हैं। केडीए, महकमा जंगलात, दी फेस्ट कंपनी के लोगों और दीगर कई लोगों ने ईदी मुहिम शुरू कर रखी, जबकि टैक्स वसूल करने वालों की जानिब से सियाहों के साथ इंतहाई हद तक अमेज रवैया भी रखा जा रहा है। शोगरान आने वाले सियाहों का कहना है कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा जंगलात और दीगर इदारे सियाहत को फरोग दे रहे हैं या सियाहत का इस्तेमाल कर रहे हैं। नारान बंद है, वादी कागान का एक की करीब तरीन सियाहती मकाम ओपन है, वो शोगरान है और सियाह यहाँ एंजॉय करने पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ बद इंतजामी और इनफरादी फायदे के लिए इज्तिमाई फायदे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। याद रहे कि शोगरान में एक ही ऐसा सरसब्ज मैदान है जो कि महकमा फॉरेस्ट की मलकियत है, क्योंकि वहाँ पर शुरू से लेकर आज तक सियाह तस्वीर और वीडियोज बनाते हैं। बाकी कोई ऐसी जगह भी नहीं, इस ग्राउंड में भी कोई सहूलत नहीं, बस घास है जहाँ लोग फैमिली के साथ जमीन पर बैठे रहते हैं। इस बार महकमा जंगलात और केडीए ने दी फेस्ट नामी कंपनी को ये जगह दे दी है, जहाँ एक नाम निहाद फेस्टिवल के नाम पर चारों तरफ से इस ग्राउंड को बंद कर दिया गया है और अंदर आने के लिए सियाहों से 200, 300, 400 रुपए टैक्स वसूली जा रही है। लोग फैमिलीज के साथ ग्राउंड में जा रहे हैं, जिन्हें सरकारी मशीनरी के जोर पर अंदर जाने से रोका जा रहा है और इनसे जगह टैक्स लिया जा रहा है। कई सियाह मजबूरी में हारदार तारों को फलांग कर भी जाने पर मजबूर है, जबकि कई फैमिलीज के बुजुर्ग भी इन तारों में अपने कपड़े खराब कर चुके हैं। अगर केडीए, महकमा जंगलात और दीगर इदारों के साथ साथ दी फेस्ट कंपनी के लोगों को बस अपना पैसा नजर आ रहा है, शोगरान में सियाहों के साथ इंतहाई हद तक अमेज सलूक भी जारी है। सियाहों का कहना है कि शोगरान में एक तो पहले से जीप माफिया का राज है, जो सियाहों से भारी रकम भी वसूल करते हैं और इनके साथ मारपीट भी करते हैं। ऊपर से सियाहों के साथ ये नया जुल्म शुरू हो चुका है। सियाहों का कहना है कि ऐसा जुल्म बंद होना चाहिए। मौके पर कई लोग कांटेदार तारों से अंदर जाने की कोशिश में जख्मी भी हुए हैं। सियाहों ने आला अफसरान से केडीए और महकमा जंगलात के राशि अफसरान और एहलकारान के खिलाफ फौरी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जबकि दी फेस्ट कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने और आइंदा ये जगह रेंट पर न देने का मुतालबा किया, जो अपने फायदे के लिए इसे इलाके में सियाहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और शोगरान में भी मरी की तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, ताकि सियाह यहां का रुख ना करें। सियाहों और मकामी अफराद ने इन लोगों को फौरी सबक सिखाने का मुतालबा किया है, ताकि आइंदा वादी कागान में सियाहत को नुकसान पहुंचाने वाले 10 बार सोचें। यह टूरिस्ट प्लेस है जिसको आज इन्होंने टिकट की शक्ल में या माफिया की शक्ल में या कह रहे हैं फेस्टिवल की शक्ल में, इन्होंने एक छोटी सी बात समझ में आती है कि इस टाइम हजारों लोग निकले हुए हैं जो सिर्फ अपनी फैमिलीज के साथ एंटरटेन। ये टूरिस्ट प्लेस है जिसको आज इन्होंने टिकट की शक्ल में या माफिया की शक्ल में या कह रहे हैं फेस्टिवल की शक्ल में, इन्होंने एक छोटी सी बात समझ में आती है कि इस टाइम हजारों लोग निकले हुए हैं जो सिर्फ अपनी फैमिलीज के साथ एंटरटेन के लिए। पर पर्सन अगर 200 रुपए ये ले रहे हैं तो हजारों के हिसाब से लाखों रुपए ले रहे हैं। क्या ये बनता है फेस्टिवल के ईद के दिनों में, जब फैमिलीज रमजान का महीना गुजारती है, अपनी बहुत सी मामलात को छोड़कर गुजरती हैं कि यार हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, अपनी फैमिली को स्पेंड करना है, टाइम देना है, और वो यहाँ जब आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि अगर वो 10 बंदे हैं या 20 है, 50 है, उन्हें 6000 रुपए दे के एक लोन के अंदर जाना है। ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर यहाँ की कोई इंतजामिया मौजूद भी है, अगर वो देख भी रही है, तो फिर फौर इसका इंतजाम करें। सर, ऐसी इंतजामिया अगर इन दिनों में फेस्टिवल रख रही है तो वो इंतहाई गलत कर रही है। फेस्टिवल होता है तो आम पब्लिक जो आई है उसका क्या कसूर है? यहाँ लोग हैंड टू माउथ भी आए हुए हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा है ना, इधर का माहौल बहुत साफ है माशाल्लाह, और इधर को लोगों को आना चाहिए। लेकिन इधर यह है कि इधर जो प्राइवेट लोग पैसे लेते हैं ना, जो माफिया बना हुआ है, वो नहीं लेने चाहिए, वो सही नहीं है। जो 200 रुपए हमसे लिए, हम तेरा बंद देते, हमसे 2600 रुपए लिए हैं, वो नहीं लेने चाहिए। और बाकी इधर के जो रास्ते है, हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इधर का रास्ता भी ठीक करने चाहिए, ताकि इधर टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए। ये जी मेहमान आए हैं और बगैर इनके साथ जो मसले हुए उसके बाद ये वापस जा रहे हैं,
वो इंसिस्ट कर रहे हैं क्या वापस आ जाएं। वो कोहाट से मेहमान आए थे, ये तकरीबन 12-15 फैमिलीज थी, 12-15 फैमिली के लोग थे और इनका टूर ऑपरेटर था और इन्होंने कहना है कि ये रवैया सही नहीं है जिसकी वजह से ये वापस जा रहे हैं। और ये